আমরা উমেশ কুমার স্পিকার বুঝতে দিব আজকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি चार महत्वपूर्ण बातों को लेके है सर। सबसे पहले है डॉक्टर हरिजी गुप्ता मामले में, जो मुख्य अभियुक्त अमर कुमार है, उसने करीब 1.5-2 घंटे पहले ही आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। कल उनके घर की कुर्की जब्ती अच्छे तरीके से की गई थी। अन्य जो दो अभियुक्त अभी फिरार हैं, उनके खिलाफ में पुलिस की कार्रवाई चल रही है और उम्मीद की जाती है कि उन पर भी शीघ्र हम लोग कोई ना कोई सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरी घटना है बडरा थाना क्षेत्र की, जो कल रात में जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है व्यक्तियों की गिरफ्तारी को लेके, वंचितों का भी और जो संदिग्ध लोग हैं। तो कल चेकिंग के दौरान में रोड के किनारे 5 वैसे अभियुक्त हैं जो गिरफ्तार हैं, जिनका आपराधिक इतिहास भी एक का मिला है। उसमें 1 पिस्टल, 7 गोली के साथ और कुछ मोबाइल के साथ मिले, जिसमें 2 मैगजीन भी बरामद है। तीसरी घटना है जगदीशपुर थाना क्षेत्र की, जो विशेष सूचना पर जो मद्य निषेध के खिलाफ में कार्रवाई चल रही है जिलों में, वो देशी शराब के विरुद्ध तो अभियान चल रहा, जिसमें 8 LTF की टीम अलग अलग दिशा में काम कर रही है और 1 सप्ताह में उन लोगों के द्वारा पूर्व के कांडों में की गई गिरफ्तारी के अलावा जो विदेशी शराब की खेप है जो बाहर से आई थी, उसको भी जगदीशपुर थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष की मदद से 263 लीटर का ये कंसाइनमेंट था टोटल, जो गाड़ी के अंदर में कंसील करके और उसको छुपा के लाया जा रहा था और उसकी बरामदगी कर ली गई है। चौथी जो घटना है वो है शाहपुर थाना क्षेत्र में, 2 बच्चियां गायब हुई थी, 1 बच्ची उसमें से करीब 18-19 साल की और उसके साथ में 10 वर्षीय बच्ची भी गायब हुई थी। परिजनों के द्वारा निरंतर थाना से सहयोग लेके और दूसरे जिला पुलिस से भी हम लोगों ने इसमें सहयोग लिया, बच्ची को दिल्ली से रिकवर किया गया सेफ, इसमें 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। ऐसा समझा जा रहा था, माना जा रहा था कि प्रेम प्रसंग के मामले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है उसके तहत में इसमें प्रयास किया जा सकता है, इसलिए इनकी सेफ रिकवरी को लेकर ये बरामदगी की गई है। दोनों बच्चियों की जी सर, जो अमर को जरूर रिमांड पे लेके अन्य लोगों के बारे में और घटना के बारे में पूरी पुष्टि कराई जाएगी और उससे नए कोई तथ्य आएंगे तो फिर अनुसंधान में उन तथ्यों को समाहित भी किया जाएगा। इंतजार करिए।